नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता ने ऐलान किया है कि जब तक देश में कोरोना महामारी खत्म नहीं होती तब तक अनग्रहण नहीं करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने आतंकवाद के खात्मे के लिए 5 साल पहले अनजल का त्याग कर दिया था, अब इस प्रतिज्ञा में कोरोना भी शामिल हो गया है। दरअसल मीडिया से बात करते हुए मंत्री महेश गुप्ता ने बताया कि वो पिछले 5 साल से अनग्रहण नहीं कर रहे हैं। आतंकवाद के नाश के लिए उन्होंने अनग्रहण ना करने का प्रण लिया था। आज इसी का नतीजा है कि देश में आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है, आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। इतना ही नहीं, मंत्री महेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व नायक बताया है। आस्था की खबर के मुताबिक महेश गुप्ता ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्र नायक ही नहीं बल्कि विश्व नायक हैं। गुप्ता ने कहा, मोदी ने ब्राज़ील को संजीवनी दी है, अमेरिका भी पीएम मोदी की नीतियों का कायल है। वहीं सीएम योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी लहर के चलते हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार प्रदेश के दौरे किए, जबकि वो खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की और प्रदेश की जनता के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। महेश गुप्ता ने कहा, आज उन्हीं की तपस्या का फल है कि यूपी विकराल हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर को संभाल पाया। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने वैश्विक महामारी को पूरी तरह से कंट्रोल किया है, लेकिन अब तीसरी लहर की बात की जा रही है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर हमारे भारत और उत्तर प्रदेश में आए ही नहीं, इसलिए मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की है, ये कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत से, पूरे विश्व से जब तक नष्ट नहीं हो जाएगा मैं अनग्रहण नहीं करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।